तो पत्ती के मामले में बात हो रही थी। तो हम जो बता रहे थे इसमें जो सिम्टम आते हैं, सिकुड़ापन आता है, ये माइट मच्छर का भी एक्टिव होता है, और एक सुड़ी होती है जो इसके अंदर अंतर प्रवाहित होती है, जो कि हमें दिखाई नहीं देती है कि इसके अंदर किल्ली के अंदर सुड़ी भी है। इसको जब हम पूर्ण रूप से निकालेंगे, ऐसे तरीके से देखेंगे, सूक्ष्मदर्शी देखेंगे, तो बहुत महीन होती है। ये जैसा खाती है ये वैसे ही कलर में हो जाती है सुड़ी। जैसा हरा खाएगी तो हरा हो जाएगी और पीला खाएगी तो पीला हो जाएगी। तो ये इसके अंदर प्रवाहित होती है। इसके लिए हम सिस्टमिक दवा का इस्तेमाल करेंगे। जैसे फेम जो आती है वायर की, वो सिस्टमिक दवा होती है। अगर इसके अंदर भी सुड़ी अंतर प्रवाहित है इसके अंदर, तो वो ख़त्म हो जाएगी। माइट और मकड़ी के लिए आप जो है वायर की ओबरान आती है मकड़ी के लिए, बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट उसका है, उसको लगवा सकते हैं। और मच्छर के लिए एडमायर आती है वायर की, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपका ये सिकोड़ा जो बीमारी है ये ख़त्म हो जाएगी। बट कंडीशन देखना पड़ेगा, सिकोड़ा माइट से आ रहा है या मकड़ी से आ रहा है या सुड़ी के जो अंदर प्रवाहित होती है उससे आ रहा है या पानी भी आ रहा है, वो खेत में आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद इसका निर्णय लेके तब आप कोई डॉक्टर साहब ऐसी चीज़ जिससे माइट पहचान सके और सिकोड़ा वाइट फ्लाई पहचान सके। जी जी जी, वाइट फ्लाई और मकड़ी को पहचानने के लिए आप देखोगे ये जो लीफ्स है जी, अगर इस हिसाब से जैसे इस हिसाब से मुड़ते हैं इस साइड में, तो ये समझना चाहिए नीचे को, नीचे को, तो ये मकड़ी का अटैक होता है। और ऊपर से अगर सिकुड़ रहे हैं तो ये मच्छर का अटैक होता है, क्योंकि मच्छर नीचे अटैक कर देगा वाइट मच्छर, तो ये ऊपर से सिकुड़ना शुरू हो जाती है पत्तियाँ। तो इसके लिए आप जो है जो ऊपर सिकुड़ रहा है तो उसके लिए आप एडमायर का उपयोग कर सकते हैं। वायर की सिस्टमिक दवा है एडमायर, मच्छर के लिए आती है। इसमें इमीडा क्लोरोपीड होता है 70% में, इसका इस्तेमाल आप करें। उसके बाद क्या होता है, जब ये बीमारी निवारण हो जाता है तो पौधा जब ग्रोथ में आता है और इस पर फूल आना जब शुरू हो जाता है, तो हम देखेंगे समय से पहले जैसे फूल आया इस पौधों पे, ये फूल आना हुआ है, तो ये देखोगे आप फूल ये पूर्ण रूप से आएगा और ये इस हिसाब से सिकुड़ जाएगा और झुलस जाएगा और उसके बाद ये झड़ जाता है। इसके कह सकते हैं फ्लावर जो ड्राप लेता है, ड्राप हो जाता है फ्लावर, तो वो कई कंडीशन से हो जाता है, जैसे कि पानी की मात्रा ज़्यादा होने पर फ्लावर ड्राप जो ये फूल है झड़ने लगता है, या आपका मौसम चेंज होगा, जैसे अभी सर्दी पड़ रही है फिर गर्मी पड़ेगी फिर कहीं बारिश हो जाएगी, उस कंडीशन में भी ये फूल झड़ना शुरू हो जाता है। तो इसकी बहुत समस्या आती है फूल झड़ने की वजह से, हमारा टमाटर जो है वो कम हो जाता है खेत में। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें प्लानोफिक्स आती है बायर क्रॉप साइंस कंपनी की, उस प्लानोफिक्स का 5 ml टंकी का आप इस पर स्प्रे करोगे तो ये ड्रॉप जो हो रहा है ये ड्रॉप नहीं होगा फूल, और वहीं वहीं ये रुक जाता है। प्लानोफिक्स के अलावा और कोई भी, प्लानोफिक्स के लगाने के बाद अब इसको ज़्यादा टमाटर ज़्यादा फूल चाहिए होंगे या ज़्यादा टमाटर चाहिए होंगे, उसके लिए बायर की एम्बिशन आती है, एम्बिशन टॉनिक है बायर की, जिसको 50 ml टंकी आप इस पर लगा सकते हैं। 50 ml टंकी लगाएंगे तो जो फूल है वो फल के आकार में आएगा और ज़्यादा फल फूल आएगा उससे, और पत्तों में देखोगे क्लोरोफिल ज़्यादा मात्रा में दिखाई देगा, पीलापन होगा वो ख़त्म हो जाएगा, जड़ों का बेहतर विकास भी होता है एम्बिशन से, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं टमाटर को ज़्यादा पैदावार के लिए, ज़्यादा फल फूल के लिए। और टमाटर अगर आपको मान लीजिए फुलाना है, कुछ पुराने कहते हैं अभी टमाटर हमारा ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला छोटा रह गया है और हमें साइज़ को मेंटेन करना है या ज़्यादा फुलाना है, तो उसके लिए कृषि रसायन कंपनी की एक जैजिब आती है जो 1 ग्राम की होती है, 2 टंकी में डाल के उसका इस्तेमाल करेंगे तो टमाटर का साइज़ मान लीजिए 4 mm का बन रहा है, तो उसमें आपका ट्रेलिंग दिखाई देगा, 1 mm तक ग्रोथ दिखाई देगा टमाटर में, जो आप चाहते हैं जैसे मोटा करना चाहते हैं या बड़ा करना चाहते हैं, तो उसका इस्तेमाल करेंगे जैजीव का कृषि रसायन का, तो इससे टमाटर मोटा भी होगा। उसके बाद समस्या टमाटर में सबसे बड़ी आती है झुलसा की। झुलसा एक ऐसी बीमारी है जिसका अगर इलाज ना किया जाए तो 24 घंटे के अंदर पूरा खेत रातों रात ख़त्म हो जाता है, जिससे हमारा लंबा नुकसान हो जाता है। किसान भाई इस समस्या से बहुत परेशान होते हैं। तो यहाँ पर जो झुलसा कंडीशन आती है, तो उसमें आपने राहत पाने के लिए अभी तक कोई दवा का इस्तेमाल किया है या करते हो, मिलता कैसे कंट्रोल करते हो? अरे खूब करिए, बात दुनिया बाहर की दवा लगाया तो ये डॉक्टर बेमल नहीं लगवाएंगे। अच्छा अच्छा, और जो सब अच्छा, ये जो शिकायत बता रहे हो आप, ये फफूंदी आ रही है, फफूंदी मतलब वाइट फफूंदी आ रही है खेत में। हाँ, तो ये वाइट फफूंदी खेत में, देखिए इनके खेत में बता रहे हैं ये राजवीर सिंह जो फार्मर हैं, ये बता रहे हैं नंगला ताली से बिलोंग करते हैं, ये बता रहे हैं इसमें वाइट फफूंदी आ रही है। इस हिसाब से देखेंगे वाइट फफूंदी जो आएगी, सुंडी भी देखो, अच्छा सुंडी की भी शिकायत आ रही है। हाँ, एक सुंडी की शिकायत है इनके खेत में, दूसरा बता रहे हैं वाइट फफूंदी आ रही है। और
टमाटर फटी और टमाटर ये फट भी रहता है, ये देखिए टमाटर इस हिसाब से फट जाता है। अभी क्या है जो स्टेज चल रही है ये टमाटर पूर्ण रूप से फुल स्टेज में आ गया है और नीचे वाला जो फल है वो फट रहा है बता रहे हैं, और फफूंदी की भी शिकायत आती है, व्हाइट फफूंदी जिसे हम कहते हैं है। ये देखिए ये पहले इस पे जाती है पत्तों पे, और पत्तों के बाद देखेंगे तो ये फल पे भी आ जाती है, और ऊपर वाला फल पे भी देखिए फफूंद देख सकते हैं, पूरा टमाटर व्हाइट हो गया है और ये गल गया है। तो ये समस्या है आपको, तो अभी इस समस्या का समाधान के लिए कोई भी दवा का इस्तेमाल किया आपने? करो जहाँ से रुकी है। अच्छा अभी कंट्रोल नहीं, इन्होंने कोई दवा लगाई होगी उससे अभी ये कंट्रोल नहीं हुई है। कल सर्टिंग लगाई, ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो देख रहे हैं वाइट फफूंदी, वाइट फफूंदी ये इनके खेत में काफ़ी मात्रा में है, हमने देखा है घूम घूम के, तो ये पत्ते में आई है उसके बाद फल पे भी आई है। तो इसके लिए इन्होंने बायर की अभी वो लगाई है, इससे पहले कई दवा का इस्तेमाल कर चुके हैं तो उससे बता रहे हैं कंट्रोल नहीं हुई है और फफूंदी दिन पर दिन बढ़ी है खेत में, जिससे टमाटर में गुच्छे गुच्छे इनके साफ हो गए हैं। टमाटर देखेंगे तो ये पूर्ण रूप से दब रहा है, मतलब पानी भी इसमें निकल रहा है इस हिसाब से। तो कई दवा का इस्तेमाल करने के बाद भी ये फफूंदी ख़त्म नहीं हुई है। अब इन्होंने बायर की जो है सेक्टिन का इस्तेमाल किया है 50 ग्राम टंकी के हिसाब से, तो राजवीर सिंह बताएंगे कितना कंट्रोल हुआ अभी बायर की सेक्टिन लगाने पे? बायर की सेक्टिन कल लगाई है, लगने का परिवर्तन ना हुआ, ज़्यादा विशेष ना हुआ। अभी बता रहे हैं हमने बायर की जो सेक्टिन लगाई है उसमें कुछ परिवर्तन इन्हें दिखाई दिया खेत में, कि अब हमने कल लगाई है तो आज हमें देखने को मिला है कहीं कहीं सूख रहा है और कहीं कहीं अभी नमी है, तो हमारे हिसाब से 7 दिन के अंदर ये कंट्रोल हो जाएगा पूर्ण रूप से। और फूल झड़ रहा हो ज़्यादा? फूल झड़ने के लिए तो प्लानोफिक्स का इस्तेमाल हमने बता दिया है, उसका लगाएंगे तो उससे